हाँ जी, कितना ठीक ठाक हो सारे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विकिपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज इस चैनल पे आई है जॉनी वॉकर डबल ब्लैक लेबल। आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि किस प्राइस रेंज में ये मार्केट में मिल रही है, क्या इसका टेस्ट है, कैसी इसकी नोजिंग है। दोस्तों, जॉनी वॉकर रेड लेबल, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, जॉनी वॉकर की व्हाइट वॉकर, ये सब हमारे चैनल पे आ चुकी है। बाय द वे, डबल ब्लैक का भी मैं रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे कर चुका हूं, लेकिन उस टाइम पे मेरा चैनल स्टार्टिंग में था, तो मुझे लगता था कि मैं एक बार फिर से इसको जरूर ट्राई करूं आप लोगों के साथ। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है बॉटल जॉनी वॉकर डबल ब्लैक लेबल की। बॉटल देखने में काफी ज्यादा सुंदर है, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक कलर में आती है। ब्लैक लेबल में एक सी थ्रू बॉटल हमें मिलती है, जिसमें हम अपनी स्कॉच को देख सकते हैं, लेकिन इसमें डार्क कलर का यूज किया गया है। इसका जो बॉटल का गिलास है, ये जो कांच है, ये डार्क कलर का है, तो इस वजह से स्कॉच विस्की हमें देखने को नहीं मिलती। कंपनी ने इसलिए ऐसा किया है कि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लगती है, दूसरी बात कंपनी दर्शाना चाहती है कि हमारी जो स्कॉच विस्की है ये बोल्ड है, ये मस्कुलर है और ये ज़्यादा प्रीमियम है। अब आप देखोगे कि इसके ऊपर कोई भी ए स्टेटमेंट नहीं है। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल के ऊपर 12 साल वाली ए स्टेटमेंट मिलती है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ए स्टेटमेंट नहीं है। तो एज पर स्कॉटिश लॉ हम मान के चलते हैं कि ये मिनिमम 3 साल पुरानी है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर कोई ए स्टेटमेंट इसके ऊपर लिखी होती तो वो ज़्यादा बेटर होता। ये एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, इसमें मॉल्ट विस्की का और ग्रेन विस्की का ब्लेंड हमें देखने को मिलेगा। इसमें अमेरिकन ओक बैरल्स का यूज़ किया गया है, जिसको कि हैवीली चार्ड किया जाता है, अंदर से जलाया जाता है और विस्की को उसमें मैच्योर किया जाता है। उसके बाद शेरी कास्क को भी यूज़ किया गया है इसको मैच्योर करने में। 750 ml की बोतल है, 750 ml की बोतल, और इसमें जो एल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी ये 40% है, 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। प्राइस की बात की लिया है तो पंजाब में, आजकल लुधियाना में नियर अबाउट 3200 to 3500 आपको ये मिल जाएगी, और इसी प्राइस रेंज में आपको दिल्ली गुड़गांव में मिल जाएगी। 3000 से लेके 3500 की रेंज में इजीली ये इंडिया में मिल जाती है, कई कई स्टेट्स में आपको ये ज़्यादा महंगी भी मिल सकती है। तो चलिए, अब जल्दी से इसको ओपन करते हैं। अपना पहले मैं नोजिंग ग्लास उठा लेता हूँ, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नोजल नहीं देगी, बिल्कुल ये ओपन है। तो चलिए अब पोर करते हैं। इसमें कलर मिलाया गया है, ये इसका नेचुरल कलर नहीं है, ये जो आप सुनहरा कलर देख रहे हो इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं, लेकिन कलर भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छा एक शाइनिंग कलर है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी लेग्स कैसी बन रही हैं। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लेग्स कैसे होती हैं, थोड़ा सा आप बता दो। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो गिलास के ऊपर ऑयल्स आपको दिख रहे हैं, इसी को लेग्स बोलते हैं। जितनी धीरे धीरे ये नीचे आएंगे, दैट मीन्स जो विस्की है उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी है उसकी। तो चलिए अब इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। ऑन द नोज स्मोकीनेस मिल रही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा स्मोकीनेस इसमें नहीं मिल रही। हालांकि ब्लैक लेबल से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड नहीं है। एक हल्का मीठा स्मोक हमें इसमें मिलेगा। जली हुई लकड़ी का काफ़ी अच्छा एहसास इसमें आ रहा है, पीटी स्मोक मिल रहा है और बर्निंग वुड का भी एहसास इसमें मिल रहा है। ध्यान से नोजिंग करने में रेड एप्पल्स मुझे मिल रहे हैं और हल्के हल्के ड्राइड फ्रूट्स की भी मुझे नोजिंग इसमें आ रही है, जैसे कि प्लम्स हो गए, प्लम्स मुझे इसमें मिल रहे हैं।
रेजिन्स मुझे इसमें मिल रहे हैं। भाई नोजिंग तो काफी ज्यादा टेम्पटिंग है, वनीला भी इसमें मिल रहा है, हालांकि स्मोक मीठा है बहुत ज्यादा, मैं हैवी स्मोक इसको नहीं बोल सकता। तो चलिए अब जल्दी से टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू एवरीवन। टेस्ट करने में सरप्राइजिंगली ये मीठी लग रही है, जी हां पीने में ये मीठी लग रही है काफी ज्यादा, एक स्वीट आफ्टर टेस्ट इसमें से आ रहा है, हल्की हल्की जली हुई लकड़ी का भी टेस्ट इसमें आ रहा है। जो लोग नीट पीना चाहते हैं वो इसको इजीली नीट पी सकते हैं, काफी ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी बर्न नहीं दे रही, बहुत इजीली आपके पैलेट को ये इंप्रेस करेगी। इनफैक्ट मुझे भी ये गल्प करने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, जैसे जैसे स्मोकीनेस कम हो रही है तो इसमें एक फ्रूटी फ्लेवर भी मिल रहा है। हल्का सा इसमें पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगा ताकि और ज्यादा ओपन अप हो जाए। दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया ताकि और ज्यादा ये ओपन अप हो जाए। अब इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया क्योंकि इसमें मैंने पानी को मिला दिया है। अब दोबारा से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। भाई अब ज्यादा फ्रूटीनेस इसमें मिल रही है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस अरोमा अब इसमें से आ रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं। चीयर्स। पानी ऐड करने के बाद एक बबल गम का फ्लेवर मुझे इसमें आ रहा है। जब मैं छोटा था एक बूमर बिग बबल बबल गम आती थी, वैसा कुछ कुछ टेस्ट मुझे इसमें मिल रहा है। स्मोकीनेस कम हो गई है, बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं है। जो लोग ट्राई करके देखना चाहते हैं स्मोकी विस्कीज स्मोकी सिंगल मोल्ट्स कैसी होती है वो इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। मजेदार मक्खन स्मूथ, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि पेग कहां चला गया। पीटी स्मोक, बर्निंग वुड, हनी, एप्पल्स, काफी ज्यादा माउथ वाटरिंग ये एक स्कॉच विस्की है, मुझे पीने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। 3000 से लेके अगर 3500 में आपको मिलती है तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको बाय कर सकते हो। बाय द वे किस किस की ये फेवरेट है प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।